नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला दतिया मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ संजीव रिछारिया की बड़ी खबर। तो बने रहिए खबरों के साथ, देखिए यह आगे की पूरा खबर। इस खबर को ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चों को यह प्रेरणा और सीख मिल सके। आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, मैं प्रीति वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी खास खबरों के साथ। खबर है इंद्रगढ़ दतिया जिले के तहसील ग्राम पड़री के अजमेर सिंह उर्फ बंटी के पुत्र स्वयं धाकड़ ने NEET परीक्षा में पास कर नगर एवं गांव का किया नाम रोशन। 720 में से 630 मार्क्स प्राप्त किए एवं ऑल इंडिया OBC रैंक 3627 पास कर किया नाम रोशन। स्वयं धाकड़ ने अपनी पढ़ाई एक छोटे से नगर में इंद्रगढ़ में की। NEET परीक्षा में देश में अपना स्थान हासिल करने पर बधाई देने वालों में रविकांत चौरसिया, रामेश्वर धाकड़, नरेंद्र सिंह हरे, अरविंद यादव, हरिओम यादव, भोगीराम कुशवाहा, चंद्रशेखर यादव, छोटू खान, गोविंद दास बघेल, द्वारका बघेल, ज्ञान सिंह कुशवाहा, राजेश साक्य, रोशन सिंह धाकड़ पूर्व सरपंच आदि नगरवासियों ने स्वयं राजपूत को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य हेतु आशीर्वाद भी दिया। इसी तरह वह कठिन परिश्रम कर अपने परिवार और नगर का नाम रोशन करते रहे। समस्त छात्रों को भी यह समझना चाहिए कि परिश्रम से ही शिक्षा प्राप्त होता है। जिस तरीके से इन्होंने अपने परिश्रम के बल पर शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से कैसे पढ़ाई किया जो ये आगे बढ़े। तो देखिए पूरा रिपोर्ट ब्यूरो चीफ संजीव रिछारिया के साथ। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पढ़ने वाले बच्चों को सीख मिल सके और समझ मिल सके। नीट में सिलेक्शन हुआ है तो आपने इसकी तैयारी किस तरह की? मैंने मतलब क्लास के नोट्स और जो मॉड्यूल्स कोचिंग प्रोवाइड करती है उसी से पूरा कंप्लीट किया था। इसकी तैयारी आप कितने दिनों से कर रहे थे? मैंने 12th के बाद एक ईयर ही इसकी तैयारी की है। इसके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेज ली या मतलब? नहीं, कोटा में ऑफलाइन कोचिंग था। कोटा में ऑफलाइन कोचिंग। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? एक ईयर। किस कोचिंग पे आपने? LN करियर इंस्टीट्यूट। फर्स्ट टाइम में ही निकाल लिया ना? हाँ, फर्स्ट टाइम में ही निकाल। हाँ। अच्छा, आपने जो सफलता अर्जित की है तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मतलब टीचर्स, पेरेंट्स सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है वो चाचा जी ने ढंग से बताया। मतलब लास्ट में कैसे शॉर्ट नोट्स करके आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो, उस टाइम पे आप कैसे मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट के एक दो मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं और उसमें आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते जो आपको कोचिंग ने पढ़ाया है। तो लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है तो वो सब चाचा जी बता देते थे कि कैसे करना है, लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है। चाचा जी पहले इस कोचिंग से जुड़े हुए थे या नहीं, तैयारी कर रहे थे? नहीं, उनको मतलब आइडिया था, उनने अपने जब वो पढ़ते थे तो उनको सब आइडिया था, बाहर रहे हैं वो शुरू से। अब आगे आपका क्या उद्देश्य, क्या गोल है आगे? पहले तो MBBS कम्प्लीट करूंगा, फिर उसके बाद MD की सर्जरी में ट्राई करने की सोच रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।